Expert advice brought to you by Nan Azmabad. Right, so we're looking at obviously building up towards the World Cup. And because we're talking about the World Cup, I thought it's best to get their views on what teams should play from a Pakistan point of view from both of them. So let's have a look at Waz's first team. कि उन्होंने टीम में किन प्लेयर्स को रखा है जो कि वर्ल्ड कप में खेलनी चाहिए. ये इनकी 11 है. मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम ओपन करेंगे, शान मसूद वन डाउन, इफ्तिखार अहमद चार पे, आजम खान इज द इंटरेस्टिंग इंक्लूजन. तो वैस थोड़ा सा बताएं अपनी टीम के बारे में कि आजम खान को आपने ढूंढ. आई सपोज हॉर्सेस फॉर कोर्सेस. अगर मैं कप्तान हूं बाबर की जगह तो आइडिया क्या है मेरा एंड गेम इज टू विन द वर्ल्ड कप. एंड फॉर दैट द बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल यू टेक आइदर ओवरवेट हैं व्हाटएवर, बट मौके पे ये आपको यूज करना पड़ेगा. उसकी फॉर्म जबरदस्त है. बट आई एग्री विद विकी, वी वर डिस्कसिंग अर्ली ऑन, जो प्लेयर्स डोमेस्टिक T20 नहीं खेले वो सिलेक्शन में आ नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली. एंड दैट्स अ राइट डिसीजन एज वेल. अगर आप लीग्स को प्रेफर करोगे अपनी डोमेस्टिक T20 में तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आई एम नॉट गेटिंग पिक्ड. And I'm all for it, for this kind of law. If you're not playing domestic, you shouldn't be getting picked up. But I want him in, for it's my personal thing. Ye nahi hai ke Babar ko bata raha hu, selectors ko bata raha hu. I would have had him, I would have made sure that he plays the domestic league and then from there onwards. CPL में बड़ा अच्छा फॉर्म रहा है आजम का, which is why Wasim bhai is put it. अच्छा, वकार भाई की टीम भी दिखा दें एक दफा. वकार भाई की टीम में मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ओपन करें, इससे मैं इनके बारे में पूछना चाहती हूँ. और शुएब मलिक इज इन, दीज आर द टू बिग एडिशंस. तो वकार भाई बताएं, शुएब मलिक तो आपके साथ शो नहीं कर रहा, या फिर आप शो का क्या करेंगे भाई? देखिए वो मैं शो का मुझे नहीं मालूम क्या करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट इज के आई फील के जो इन मैचेस में और इससे पहले भी जो देखा है कि हमारी मिडल ऑर्डर हम खेल रहे हैं पिछले कितने दिनों से, तो मिडल ऑर्डर में फिर आप वाई डोंट वी गो एक्सपीरियंस. आई एम टोटली फॉर आजम खान, बट आई एम ऑल्सो फॉर के जी अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते यू शुड नॉट बी कंसिडर्ड. वेरी सिंपल. और शुएब मलिक ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है एंड आई थिंक जो परफॉर्मेंस आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लोग करते हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको यू नो इज्जत मिलनी चाहिए. एंड आई फेल के एट नंबर 5 नंबर 6 मे बी नॉट इन द टॉप 3-4 बट नंबर 5 नंबर 6 आई स्टिल फील के in Australia Shoaib Malik might be little handy.